शिव ऐसा गुरु है कि दानियों का दानी महादानी दान करने वाला है पर लेने वाला नहीं है। इनका कहना है कि पहले अपना कार्य पूरा कर लो उसके बाद मुझे कार्य करना, पहले अपने कार्य पूरा कर लो उसके बाद मुझे कार्य करना। शुरू करना यह है तो किसी का दया मांगने से दया नहीं मिल रहा है, तो जिसके आपने आपका ढूंढिए कि आखिर बताइए जितना भी आप सबका पीछे गुवाही जो मिला कि दया मांगना चर्चा करना नमन करना अब इतना सारी गुवाही मिला तो आपका क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों का खोज करना है? क्योंकि वही तीन सूत्र आपका ही बताया हूँ और वही तीन सूत्र अगला भी बता रहा हूँ और वही तीन सूत्र से जब अगला कामयाब हो रहा है तो अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके साथ कई कमियां हैं, इस चीज का सुधारने का प्रयास रखिए। दिल से और दिल से अगर नहीं मानेंगे आप सब के पीछे में एक छोटी सी गवाही मैं दे रहा हूं, आप सब जरा समझेंगे, छोटा भाव में दे रहा हूं। कलाकार छोड़कर बाकी जितने भी यहां पर बैठे हुए हैं मैं जो करूंगा ध्यान सुनेंगे, कलाकार छोड़कर मैं जो करूंगा वही आप सबका करना होगा और मैं जो बोलूंगा वही आप सबका सुनना होगा। नंबर एक, मैं जो करूंगा वही सब आप सबका करना होगा और मैं जो बोलूंगा वही आप सबका सुनना होगा। ठीक चलते हैं। चलिए दया कैसे नहीं मिलता है इस विषय में भी आप लोग जानिएगा भी क्या ऐसे कैसे नहीं मिलता है, क्या वजह है। मैं किसी को यहाँ पूर्वक करने आ रहे किसी का होशियार करने आए हैं, लेकिन अपने से आपको अपने गलती को अपने महसूस कीजिएगा, दिल से लेके कीजिएगा। अभी आप सबका पीछे छोटी सा डेमो दिखा रहा हूं। मैं पाला प्रथम मैं बोलो हूं कि जो मैं बोलूंगा वो सब आपका सुनना होगा और जो मैं बोलूंगा जैसे मैं करूंगा वैसे आप सबका करना होगा। ये बात बोला हूं ध्यान सुनिएगा। दिल सकहा दिया होना चाहिए। मैं चीज रखा हूं कलाकार छोड़कर, अभी आप लोग छाटिएगा, मैं जो बोल रहा हूं सुनिएगा और जो मैं कर रहा हूं आप वैसे ही कीजिएगा। दिल कपार, दिल कपार, कपार आप लोग कपार है, कपार है, ऐसे ही गलती होता है, समझ आया? नकल करने वाला चीज है कि मैं दया मांगने के लिए बोल रहा हूं तो आप सबका दया मांगना पड़ेगा, मैं चर्चा कर रहा हूं तो आप सबका चर्चा करना पड़ेगा, मैं नमन कर रहा हूं आप सबका नमन करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा। हमारे कलाकार महोदय यहां पर बैठे हुए हैं, अगर चाहेंगे तीनों का नकल करने के लिए तो 2 साल 4 साल 5 साल जाते ही नहीं जैसा बजाने में सीख जाएंगे। क्या मैं गलती बोल रहा हूं? तो नकल तो करना पड़ेगा। मैं क्या बोला हूं कि मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा और जो मैं कह रहा हूं वैसे करना सीखिएगा। सुनने के लिए मैं बोला था कि मैं बोल क्या रहा हूं उस आधार पर चलना होगा। कपार यहां बहुत कपार है, यहां दिल यहां बोलना चाहिए, यही मित्र गुरु ना। ठीक उसी प्रकार के मैं बता रहा हूं कि दया मांगने
नमक जगह मैं दया मांग रहा हूं। और नमक करने के बाद जो कहा जा रहा है तो वहां पर कहा गया है कि चल सन तुम पथल तुम चल तुम नदी नहा है। क्या चीज गौर समझेगा, सन तुम पथल तुम चल तुम नदी नहा है। दूसरा कहने से तर लोग बोल दिया कि अरे चलो ना यार, एक हो बात है मैं बोल दिया नमक से बच्चा को कल्याण है। अगर आप सब बोल देगा अरे यार तस्वत खा रही हो बैठ जाओ ना पेट भर जाएगा, है संभव है ना। इसलिए मैं ज्यादा छोटा भाव दे रहा हूं कि जहां कर्म तहां धर्म, जहां धर्म तहां कर्म। क्या चीज, जहां कर्म तहां धर्म, जहां धर्म तहां कर्म। कर्म तो करना पड़ेगा गुरु भाई, गुरु भाई कोई भी कार्य हो जाए कर्म करना पड़ेगा, तू करना पड़ेगा। इसलिए जो व्यक्ति का अगर नहीं दया मिल रहा है उससे मेरे साथ आके बात करेंगे, उसको मैं जवाब देने का मैं प्रयास रखूंगा। लेकिन मैं तीस सूत्र बता रहा हूं, इसी से तीस सूत्र पाल करने की कोशिश किया जाए, भटकने की जरूरत नहीं है। जानिए समझिए, आप लोग जैसा ये भी कहा देवारी कहते थे और करवाते थे, लेकिन लास्ट में हरा हरा महादेव यानी हार का ये 15 दिन में खोजे और ऐसे को गुरु माने। और गुरु मानते हुए अपना लड़की के पैर बचा किया, एक लौता बेटी एक बाप के एक बेटी, क्या जान तक अगर पैर कटा जाता तब क्या आज बाहर क्या पाते, आज माता पिता का दूरा पड़ता। अगर वो हर बात अगर मेरे हमसे कहा बीच अगर हो जाएगा अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन ऐसा हरकत थी, लेकिन यही महादेव महाराज श्री गुरु का आसीन दया से उसे पैर बचा और वही लड़की का आज चादर में शादी कर दिया जाए। महती वाला भी हो गया है कमल साहब भाई। तो आप सबका मैं यही कहूंगा कि नकल कीजिए, दया मांगिए, चर्चा कीजिए, नमन कीजिए, और जहां नहीं समझ लग रहा है चंद्रवती गुरु बनना से कमल साहब भाई से पूछिए, या तो नहीं तो निर्वती गुरु बनना से पूछिए जिला अधिकारी से, इसलिए पूछता है। अगर नहीं बनता है तो श्री सागर समूह चर्चा श्री सागर सक्रिय गुरु भाई लाल जी से पूछ लीजिए, आप जवाब मिलेगा। तीसरे से गुरु की चर्चा गुरु भजन से मैं बयान समाप्त किया, तेरह ओर से दो का माइक दे रहा हूं, दो भजन माइक दे रहा हूं। इसमें जोर जोर से अगर बाप की बेटा तो है ही है, लेकिन साथ साथ माँ का भी बेटा तो माँ के गुण ना होना चाहिए। इस जगह से हम चंद्रवती गुरु कहना 15 दिन से खोलते खोलते कारा का धूप में है, माई और बाप खोलते खोलते परेशान रहे, कमल साहब और भाई माई बाप खोलते खोलते परेशान रहे, तो गुरु दिन का भेंट गए और यहाँ पर दया मंगा शुरू कर दिए। लेकिन लास्ट में माँ की आशीर्वाद देने पड़े कि बेटा पापे भर के ना ही कम से कम हमरों का नाम ले लेवा। तो यहाँ पर माई का कोरे का कमल साहब चंद्रशेखर गुरु कहाँ यही चंद्रति गुरबहना अपनी ओर से अपने मुंह से बकार खोल के रो के कलम के माई से अर्जी लगावा पड़े कि कहाँ भुलैला
Yeah.
समाप्त हो भजन डाले। इसी जगह से लास्ट हमें उठती को चलते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहना, गुरु भाई गुरु बहना मिलके क्या क्या करेंगे। चंद्रवती गुरु बहना अपना गुरु भाई गुरु के आश्वास तुम्हारे सप्ताह दिन आयो करी गुरु भाई गुरु बहना मिलके चाय चाय करेंगे।
डांस कर रहे हैं।